क्योंकि आपस में निपटाने वाली बात पर तो आपने कहा अमरजीत जी से बात कर लीजिएगा। हालांकि बड़ा नेता जब बोलता है तो उसके पक्ष में प्रवक्ता बोलता है, पर लगता है कि अमरजीत जी की बात कहीं तक आपको सही लग गई, तो आपने कहा इसमें मैं बोलूं हाँ वो सही बोल रहे हैं, ठीक है नहीं प्रवक्ता का जी। देखिए जहां तक मशीन की बात है जी, छत्तीसगढ़ में दो लोगों के बयान सामने आए हैं। एक पहला बयान आया है कुरुक से, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कैमरों के सामने दावा किया है कि मैंने अपने गांव में अपने परिवार के साथ जाकर अपने आप को वोट दिया, लेकिन ईवीएम मशीन में वो वोट जो है गायब हो गया है जी। दूसरा मामला आया है रायपुर दक्षिण विधानसभा, जहां ब्रिजमोहन जी ने ऐतिहासिक जो है विजय दर्ज की है, आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं मैं। यहां भी एक महिला जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, उसने भी आकर आज ये कहा मीडिया के सामने कि मैंने अपने परिवार के समय अपने आप को वोट दिया था, लेकिन वो वोट मुझे मिला नहीं जी। अच्छा, मशीनों पर आरोप लगाने की कहानी थोड़ी पुरानी, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं मैं आपको। इस देश में सबसे पहले मशीनों पर धांधली करने का आरोप लगाया था बीजेपी, साल था 2009, लालकृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो जब वो हार गए तो उन्होंने आरोप लगाया था, और मुझे अच्छे से याद है कि द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको फ्रंट पेज पे छापा था।